शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें दर्शकों ने नायक और खलनायक दोनों रोल्स में पसंद किया। उनके डायलॉग्स बोलने के स्टाइल को लोगों ने काफी पसंद किया। आइए देखते हैं उनके 10 बेहतरीन डायलॉग्स। श्याम कहाँ है? वो तो पिट्टो को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। जो हसरत निकालनी हो निकाल ले, वो लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। ये डायलॉग है फिल्म मेरे अपने से। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे विनोद खन्ना, मीना कुमारी और शत्रुघ्न सिन्हा। ये फिल्म विनोद खन्ना की पहली फिल्म थी जिसमें वो पहली बार हीरो का रोल कर रहे थे, और डैनी की ये पहली फिल्म थी जिससे उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के डायरेक्टर थे गुलजार साहब। आइए दूसरे डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं। जो आदमी अपने बेटे की ममता को तिजारत बना रहा है, वो एक अच्छा व्यापारी तो हो सकता है, मगर एक अच्छा बाप नहीं हो सकता। लेकिन मैं उन गिरे हुए भाइयों में से नहीं हूं जो अपनी बहन की खुशियों का सौदा इन कागज के चंद रंगीन टुकड़ों के साथ कर। ये डायलॉग है फिल्म बिल्लू बादशाह से। ये फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे गोविंदा, नीलम और शत्रुघ्न सिन्हा। इस फिल्म को शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े भाई लखन सिन्हा ने प्रोड्यूस किया था। आइए तीसरे डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम कासम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। जब मैं मिलिट्री में था तो इन हाथों से इतनी गोलियां चला चुका हूं कि बंदूक से निकली हुई गोली अगर मेरे हाथों की पकड़ में आ जाए तो अंदर ही फड़फड़ाकर दम तोड़ देगी, साले बाहर नहीं निकलेगी। ये डायलॉग लिया गया है फिल्म लोहा से। ये फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा। ये 1987 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राज सिप्पी। तो आइए चौथे डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये डायलॉग है फिल्म विश्वनाथ से। ये फिल्म 1978 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय और प्रेमनाथ। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सुभाष घई। आइए पांचवें डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं। तुमने हमारा नाम जरूर सुना होगा, परशुराम। हमारे बारे में मशहूर है कि हम लोगों की शादियां भी कराते हैं और श्राद्ध भी। ये डायलॉग है फिल्म बेताज बादशाह से। ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म के डायरेक्टर थे इकबाल दुरानी। आइए छठे डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं। मैं लाखों करोड़ों बेगुनाह बेबस इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं भी यहाँ बैठे हुए इन लोगों की तरह शरीफ आदमी नहीं हूँ, मगर इन जैसा गंदा घिनौना कायर और लालची आदमी भी नहीं जो थोड़े से पैसों के लिए लाखों करोड़ों बेगुनाह इंसानों को दवा के नाम पर जहर खिलाकर मर। ये डायलॉग है फिल्म मंगल पांडे का। ये फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे शत्रुघ्न सिन्हा और परवीन बाबी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे हरमेश मल्होत्रा। आइए सातवें डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे गलत समझ रहे हो यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अपनी गंदी जबान से दोस्ती का नाम मत ले, तुझसे ज्यादा वफादारी तो कुत्ते में होती है। काश मैंने तुझसे दोस्ती करने के बजाय किसी कुत्ते को पाल लिया होता कमीने। ये डायलॉग है फिल्म दोस्ताना से। ये फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और जीना तमान। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राज खोसला। आइए आठवें डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं राजा कि अगर वो काट ले तो पलक झपकते ही जिंदगी कट जाती है। वो करवट बदलने का मौका तक नहीं देते राजा। ये डायलॉग है फिल्म बेताज बादशाह से। ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म के डायरेक्टर थे इकबाल दुरानी। आइए नवे डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं। अरे ओ, यहाँ कहाँ चले जा रहे हो? लाइन में जाओ, लाइन में वहाँ। अबे ओ अर्थी के फूल, हम अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? हट बे। ये डायलॉग है फिल्म काला पत्थर से। ये फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा। इस फिल्म के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा।
आइए दसवें और आखिरी डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं। अरे मेरे बदायूं के लल्ला, अभी तक दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं बनी जहां से मंगल ना निकल सके। मेरे ताश के 53वें पत्ते, तीसरे बादशाह हम हैं, दिखाई नहीं देता। ये दोनों डायलॉग्स भी काला पत्थर फिल्म से लिए गए हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा और ये फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।